वेलकम बैक एवरीवन। अमेज़ॉन पे इजी शिप, सेल्फ शिप और FBA, इन तीन शिपिंग मेथड के थ्रू आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो शिप कर सकते हो। अभी FBA के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, अगर आपको FBA के बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आता है सेल्फ शिप और इजी शिप। आप देखेंगे कि जब आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है सेल्फ शिप और इजी शिप। तो इजी शिप में क्या होता है, जब आप इजी शिप में एनरोल करेंगे तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो जो प्रोसेस आप करेंगे वो अमेज़ॉन का जो कोरियर पार्टनर है, ATS हो गया, ईकॉम एक्सप्रेस हो गया, तो वो आके आपकी वेयरहाउस से या आपकी एड्रेस से, जहाँ पे भी आपका लोकेशन होगा वहाँ से ऑर्डर को पिकअप करके लेके जाएगा कस्टमर की एड्रेस तक। और इजी शिप में एक और आपको प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि जब आपका जो ऑर्डर, मान लीजिए आप ऐसा कोई आइटम सेल कर रहे हो जो फ्रेजाइल है या कुछ डैमेज हो सकता है, लिथियम आयन बैटरी है, तो उसमें भी आपको सेल्फ शिप ऑर्डर आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कोरियर के साथ टाई अप करके रखना होता है, ताकि उस टाइप का अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर आपके पास आए ताकि आप उसको खुद से शिप कर पाएंगे, तब क्या होगा अमेज़ॉन का जो कोरियर है वो आपके पास ऑर्डर को पिकअप करने नहीं आएगा। और सेल्फ शिप में क्या होता है, सेल्फ शिप में अमेज़ॉन का जो ATS पार्टनर होता है वो आपके यहाँ से पिकअप नहीं करेगा आपके वेयरहाउस से, वो पूरा जो प्रोसेस होगा आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से आपको ट्राई अप करना पड़ेगा थर्ड पार्टी कोरियर के साथ। जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर आपके पास आएगा आपको शिप करना पड़ेगा कस्टमर के एड्रेस तक। ये शिपिंग मेथड को अमेज़ॉन जो है वो हैंडल नहीं करेगा, आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। अब इन सिचुएशन में ये हो गया पहले का सिचुएशन, लेकिन अभी की जो करेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। करेंट सिचुएशन मीन्स आपको पता है कि कोविड की वजह से हर एक स्टेट में कुछ दिनों के, 7 दिनों के लिए मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, कुछ स्टेट में एसेंशियल गुड्स बस अलाउ है। तो अभी अमेज़ॉन में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सेल्फ शिप ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया जो इजी शिप यूज़ करते। मान लो आप एक सेलर हो और आपने इजी शिप यूज़ करते हो, आपने आपका जो अकाउंट है वो इजी शिप में, लेकिन आपको तब भी बहुत ज़्यादा सेल्फ शिप ऑर्डर आ रहा है, और सेल्फ शिप ऑर्डर आने की वजह से आप शिप नहीं कर पा रहे उसको, और आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, नहीं तो आपका जो अकाउंट हेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है और आपको प्रॉब्लम भी हो रहा है। सेल्फ शिप आ रहा है तो आप टाइम से प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको जो अमेज़ॉन का अकाउंट है उसको सेटिंग्स कैसे चेंज करना है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको ओनली इजी शिप का ऑर्डर आए। ओनली इजी शिप मीन्स मान लो कुछ एक पिन कोड है जहाँ पे अमेज़ॉन का सर्विस नहीं है तो वहाँ से आपको ऑर्डर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ अमेज़ॉन का कुरियर जा सकते हैं, जहाँ जहाँ अमेज़ॉन का डिलीवरी अवेलेबल है, बस वहीं से आपको शिप का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है ऑल कंप्लीट ऑर्डर A to Z जो भी आपने लिस्ट किया होगा वो सब प्रोडक्ट आपका ATS के थ्रू ही शिप होगा अमेज़ॉन कुरियर, जो आपका हैंडल करेगा अगर आप इजी शिप यूज़ करते हो। और इन सिचुएशन में सेल्फ शिप यूज़ अब मत करिए, क्योंकि आपका जो अकाउंट है बहुत ही नेगेटिव में जाएगा। क्योंकि सेल्फ शिप में जब आपके पास ऑर्डर आता है और आपने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद क्या होता है, वो ऑर्डर को मान लो कि कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट किया कैंसिलेशन का, अब उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। कस्टमर ने मान लो लिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया, तो वो कब तक आया आपके पास आपको कुछ पता नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपको ओवरऑल जो आपका पैसा है उसका लॉसेस हो जाता है। क्योंकि मैंने यूज़ किया तो मैं आपको आगे बता पा रहा हूँ। सो वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको शिपिंग का जो सेटिंग्स है वो कैसे आप चेंज करेंगे वो दिखा दूंगा, ताकि आपको ओनली इजी शिप का ऑर्डर आए, सेल्फ शिप का ऑर्डर आपको नहीं आएगा। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड पे देखिए एक सेटिंग्स का आइकन बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर शिपिंग सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने शिपिंग सेटिंग्स का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग थिंग्स अमेज़ॉन ने ऐड किया है। हॉलीडेज़ यहाँ पे डाल दिया, अगर आप कुछ ऐसे डेज है जहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते या अमेज़ॉन ऑफ करके रखेगा आपका इजी शिप का स्लॉट, तो वहाँ पे ये सारे शेड्यूल दिया गया है पहले से। बट गाइज़ यहाँ पे एक मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। देखिए अगर आप इस पेज में आएंगे तो देखिए इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, क्रिसमस यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, तो आपको ना एक पहले से आइडिया आ जाएगा अगर आप ऐसे वेराइटीज़ कैटेगरी में सेल करते तो। ये दिन में इंडिपेंडेंस डे, तो आपको इससे पहले थोड़ा फ्लैग वाला जो टी शर्ट आता है, ये सब कैप हो गया, तो ये सब का बहुत डिमांड रहता है। तो अगर आप इस टाइम के अंदर पहले से लिस्ट करके रैंक कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है फेस्टिवल रिलेटेड कुछ टाइमलाइन के लिए, लेकिन आपको सेल अच्छा आएगा, तो ये आपको एक आइडिया मिलेगा। ऑलराइट, सो हम आगे चलते आगे और यहाँ पे थोड़ा और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है शिप थ्रू, यू आर करेंटली शिप थ्रू बोथ इजी शिप एंड सेल शिप।
अमेजोन में जो भी ऑर्डर आपको कस्टमर प्लेस करेगा वो इजी शिप के थ्रू आएगा और सेल्फ शिप के थ्रू। अगर कहीं पे अमेजोन का सर्विस नहीं है, कुछ हैजमेड आइटम है, तो वो सेल्फ शिप में आएगा। लेकिन इसमें आपको शिपिंग करने में करंटली सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारा सेलर नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम हम नहीं दे पा रहे बाहर जाके पोस्ट ऑफिस में शिप करना और सेल्फ शिप के थ्रू करना। क्योंकि सेल्फ शिप में करेंगे तो जो करेंटली कोरियर है ना उनको पिन कोड भी सर्विसेबल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा इशू हो रहा है। तो इसलिए ऑफ करना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्ट इन लिखा है, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, यही सब लिखा हुआ है मैंने जो आपको बताया। ऑप्ट इन आप कर देंगे और इसमें देखिए सिंपल आप ये लाइन को देखिए, आई वॉन्ट ओनली इजी शिप विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर सेल्फ शिप। तो ये सेव बटन में क्लिक जब आप कर देंगे तो इसके बाद आपको बस इजी शिप का ही ऑर्डर आएगा, सेल्फ शिप से कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो जो भी ऑर्डर आपके पास होगा आप प्रोसेस करेंगे वो सब कंप्लीट ऑर्डर अमेजोन का जो कोरियर है ATS और जो भी थर्ड पार्टी कोरियर अमेजोन ने टाई अप करके रखा है उनसे पिकअप हो जाएगा। सो गाइस ओवरऑल वीडियो शॉर्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।